चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट खबरों की ओर। बात करेंगे सबसे पहले राजधानी जयपुर की, क्योंकि यहां पर प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है। राजधानी का प्रदूषण पहुंचा रेड जोन में। सबसे ज्यादा प्रदूषण मुरलीपुरा क्षेत्र में रहा। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 303 AQI रहा। मुरलीपुरा में 362, मानसरोवर में 286, सीतापुरा में 282, आदर्श नगर 306 और शास्त्री नगर में 320 पर AQI रहा। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में हवा खतरनाक श्रेणी में हो चुकी है। जहांगीरपुरी की बात करें तो अभी भी AQI 503 है। आनंद विहार में 440 AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान कि कहा दिवाली के बाद से दिल्ली थमसी गई है। हवा की दिशा बेहद धीमी है, तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में सतह पर जो प्रदूषण के कण है उनमें स्थिरता आ चुकी है। राजस्थान में भाजपा के दिग्गजों का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की गई। कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राजस्थान में भाजपा का संकल्प पत्र जारी। जेपी नड्डा ने किया संकल्प पत्र जारी। छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी और शहर एंटी रोमियो फोर्स तैयार करने का वादा। मिश्र राजस्थान पर राहुल गांधी तारानगर, नोहर और साधुशहर में जनसभा कर भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसी सचिव डोटासन और पायलट रहे साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। का बीजेपी में डर का माहौल, हमारी मंशा जनित की है, इसलिए योजनाएं और गारंटी लेकर आए। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर हुए पंचायत में विलीन। पदमपुर के 25 बेबी गांव के खेत में हुआ दाह संस्कार। राहुल गांधी, सीएम गहलोत, डोटासरा पायलट ने परिजनों को बंधाया ढांढस। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित के राज्य में ठंड बढ़ी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। माउंट आबू में पारा 6 डिग्री तक गिरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में आग का तांडव। भद्रवाह क्षेत्र के कई घर आगजनी में खाक। दमकलों की मदद से पाया आग पर काबू। आगजनी में 8 घर जलकर हुए खाक। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। आगजनी से फिलहाल कोई हताहत नहीं। हमास चीफ हानिये के घर पर फाइटर जेट से हमला। अल शिफा अस्पताल में इजरायली टैंक तैनात। सेना बोली एमआरआई मशीनों के पीछे छिपाई बंदूक ग्रेनेड। मुंबई में टाइगर 3 की सफलता पर अभिनेता इमरान हाशमी ने कहा यही उम्मीद होती है कि आप जो किरदार निभाते हैं वो लोगों को पसंद आए। 2 साल से फिल्म की शूटिंग शुरू थी। फिल्म के रिलीज के बाद सबकी मेहनत रंग लाई, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। यूपी के इटावा में चलती ट्रेन में आग लग गई। दिल्ली से सहरसा जा रही थी ट्रेन जिसमें आग लग गई। वैशाली एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी। S6 कोच में आग लगने से 19 यात्री झुलस गए। झुलसे यात्री सिफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती। वही मुंबई में टाइगर 3 की सफलता पर अभिनेता इमरान हाशमी ने कहा कि यही उम्मीद होती है कि आप जो किरदार निभाते हैं वे लोगों को पसंद आए। 2 साल से फिल्म की शूटिंग थी। फिल्म के रिलीज के बाद अब सबकी मेहनत रंग लाई, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चलती ट्रेन में आग लग गई। दिल्ली से सहरसा जा रही थी ट्रेन जिसमें आग लगी। वैशाली एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी और इससे 19 यात्री झुलस गए। झुलसे यात्री सफाई मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती है। उदयपुर के रुणमाता मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने 27 फीट ऊंचा विशाल त्रिशूल स्थापित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी माता के जयकारों के साथ त्रिशूल स्थापित करने के लिए पहुंचे। सलूंबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर सिंह मीणा के पोस्टर फाड़ने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन के लिए होम वोटिंग का प्रथम चरण शुरू हुआ। जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में गठित टीमों ने निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार भ्रमण कर घर घर जाकर चिन्हित मतदाताओं से मतदान कराया। उदयपुर के कानोर में ओला माता रानी के रोड पर पानी के टंकी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। 11 kV बिजली के लाइन के टच होने से आग लगी। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी थी घास। ड्राइवर ने कूद कर जान बचाई। आसपास के लोग दौड़ कर आए और आग पर काबू करने का प्रयास किया। उदयपुर के वल्लभ नगर में किशोर का शव मिलने के बाद परिवारजनों और समाजजनों की ओर से हत्या की आशंका को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उपखंड कार्यालय के सामने सैकड़ों लोग निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव नहीं लिया जाएगा। धरना ऐसे ही जारी रहेगा।
उदयपुर में मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण शिविर मीरा कन्या महाविद्यालय और राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देशन में मास्टर ट्रेनर्स पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही दोनों प्रशिक्षण स्तरों पर डाक मत पत्र से मतदान के लिए विधानसभा बार स्थापित किए गए सुविधा केंद्र के बारे में जानकारी दी गई। डूंगरपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते आज पर विधानसभा के दोबड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की जनसभा आयोजित की जाएगी। 17 नवंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सीएम अशोक गहलोत सागवान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बड़े नेताओं के दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में भाई दूज को लेकर हरमाड़ा के दूधेश्वर महादेव मंदिर चौक पर परंपरागत मेलों का आयोजन किया गया। लोगों ने झूलों और चाट पकौड़ियों का जमकर आनंद लिया। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में मुख्य रोड से रूटाबाड़ा जाने वाली सड़क के जर्जर और बदहाल हालत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने सड़क और पुलिया का पक्का निर्माण कराने की मांग की। प्रतापगढ़ में दो अलग अलग आग लगने की घटनाओं में एक मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया तो एक आइसक्रीम के टेम्पो में रखा सामान भी जल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला पुलिस और मीडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के ख्यात नाम कवियों सहित पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने भी कविता पाठ किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रारंभ की गई होम वॉचिंग प्रक्रिया 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुई, जिसमें वरिष्ठ दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। इसके साथ ही मतदान के बाद नवाचार को भी सराहा गया। प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर, डंपर की चपेट में आई बाइक हादसे में मासूम सहित 3 की मौत, पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। सवाईमाधोपुर की बोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता के परिजनों ने बोली थाना में दर्ज कराया मामला, पुलिस ने नाबालिग को दस्तियाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। जयपुर में अवैध रूप से चल रहे उक्काबार पर पुलिस की रेड, जवाहर सर्कल थाना प्रभारी दलवीर सिंह फौजदार ने कार्रवाई की। देर रात तक 2 अलग अलग क्लब्स में कार्रवाई की गई। पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर काफी मात्रा में हुक्के व फ्लेवर्स जब्त किए। कोर्ट पैक्ट में केस दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। जयपुर में राज्यपाल का राजमिश्र ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। एशियन खेल और एशियाई पैरा खेल में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सीकर के लोसल थाना पुलिस ने करीब आधा दर्जन मंदिरों में चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को हरियाणा में दबिश देकर गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जोधपुर में होम वॉचिंग का पहला चरण शुरू, 16 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा होम वॉचिंग का पहला चरण। जोधपुर में करीब 2800 मतदाताओं ने होम वॉचिंग में के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। होम वॉचिंग के लिए मतदाताओं के निवास स्थल पर पहुंचा मतदान दल। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान की प्रक्रिया को पूरा करा लिया गया है। जोधपुर के शेरगढ़ में भील समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई बिरसा मुंडा की जयंती। भील समाज सभा भवन में बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माला अर्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सरपंच शताना राम भील ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर डाला प्रकाश। बड़ी संख्या में भील समाज के लोग हुए शामिल। जोधपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रवि बिश्नोई ने क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ के बाद रवि बिश्नोई ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। क्रिकेट मैच 12-12 ओवर के आधार पर खेले जाएंगे, उसमें कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। शाहपुरा विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए संचिरा कला संस्थान की ओर से तैयार किया गया मतदान एक त्योहार पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर इसी से संबंधित संचिरा की ओर से तैयार एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया। मतदाताओं के बीच इसका वितरण किया जाएगा। जैसलमेर के पोखरण में मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, आर्मी न्यू पैटर्न की वर्दी बेच रहे युवक को डिटेन किया गया। बड़ी मात्रा में आर्मी न्यू पैटर्न की ड्रेस का कपड़ा बरामद हुआ। पोखरण पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। सिरोही में पीडब्ल्यूडी मतदाता आज और कल करेंगे वोटिंग। जिले भर में 19 मतदान दल हुए रवाना, घर घर जाकर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं से मतदान करवाएंगे। कुल 366 मतदाता इस अवधि में मतदान करेंगे। पाली के बाली में शत प्रतिशत मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता के संदेश को लेकर नृत्य और नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बाल विकास अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारी भागीरथ राम सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अजमेर के पिसांगन में एचएस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की, 17.5 ग्राम एमडी ड्रग्स समेत युवा गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में की कार्रवाई, पुलिस आरोपियों से करेगी न्यायालय में पेश। निडवारा में आज सुबह रही हल्की हल्की धुंध के साथ हल्का कोहरा छाया रहा। कोहरे और धुंध की वजह से क्षेत्र में सर्दी अचानक दोगुनी बढ़ गई। क्षेत्र के लोगों को सर्दी के कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया। अजमेर के विजयनगर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के 56 भोग की झांकी सजाई गई। झांकी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लक्ष्मी नारायण के जयकारों के बीच अन्नकूट का भोग अर्पित किया गया।
टोंक दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। सचिन पायलट ने कई वार्ड पार्षदों से घर पहुंचकर चर्चा की। माली समाज की ओर से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागौर के जाल में मिरासी समाज ने पहल करते हुए मृत्युभोज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। फैसला जाल के गोठ बागलोद में आयोजित मिरासी समाज महाकुंभ में लिया गया। मिरासी समाज महाकुंभ में जिले भर से मिरासी समाज प्रतिनिधि पहुंचे। सभी समाज प्रतिनिधियों का आगामी चुनाव के लिए मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। ब्यावर में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुरातन छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में पुरातन छात्रों के साथ नगर के प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन की भी आयोजन किया गया था। नगर के गणमान्य नागरिक उद्योगपति दीपक झवर, प्रकाश अबूरे, रमेश भरांटिया, कोमी सेन, मनोज टेलर भी उपस्थित रहे। ब्यावर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदितन नकवजन को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जिले में कई स्थानों पर चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। ब्यावर के ज्ञानचंद सिंघल नगर में मकान के कमरे में लगे छत के पंखे में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। पंखे में शॉर्ट सर्किट होने के कारण निकली चिंगारियों से नीचे रखे सामान ने आग पकड़ ली। देखते देखते आग के लपटे चारों ओर दिखने लगी और इस दौरान कमरे में आग के लपटे देख घर के सदस्यों ने अपने सर पर ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग को बढ़ता देख दमकल को घर में आग लगने की सूचना दी गई। नागौर में स्वीप कार्यक्रम के तहत नवाचार सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह का आगाज। पहले दिन सप्ताह को लेकर कुचामन सिटी में पोस्टर का विमोचन किया गया। चुनाव 2023 को लेकर कार्यक्रम के तहत 16 से लेकर 23 नवंबर तक मनाए जाने वाले लोकतंत्र सप्ताह में हर दिन नया रंग नई थीम रहेगी। पाली के बाली में 80 साल से ऊपर के निःशक्त और दिव्यांग 528 मतदाताओं के लिए प्रथम चरण के मतदान दल को निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण देकर रवाना किया। बाली विधानसभा क्षेत्र के वृद्ध और दिव्यांग मतदाता घर से प्रथम चरण में 19 नवंबर तक मतदान कर सकेंगे। अजमेर के पिसांगन में 21 वर्षीय युवक और 18 वर्षीय युवती ने संदिग्ध परिस्थिति में विषाक्त का सेवन किया। चेतावस्था में दोनों को पिसांगन के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद जलन अजमेर रेफर किया गया। भीलवाड़ा में टीएसटी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्टल, मैगजीन और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजसमंद जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते कमेटी के फैसले के अनुरूप नहर को खोल दिया गया। इसमें पूर्व नियमानुसार सभी नहरों की सफाई होनी थी, लेकिन प्रशासन ने बिना सफाई किए ही नहर खोल दी, जिससे लाखों लीटर पानी सड़कों पर बेकार बर्बाद हो गया। यही नहीं, पानी नालियों में भरने से नालियां भरी गंदगी सड़कों पर फैल गई। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के खेसर में कृषि कार्य करते समय मजदूर की मौत। कुतर मशीन में अचानक पैर आने से मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को खेसर सीएससी की मोर्ची में रखवा दिया। मशीन से ट्रैक्टर को जब्त किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के मध्य प्रदेश से लगते सीमावर्ती इलाकों में चौकसी कड़ी कर दी गई। सीमावर्ती इलाकों में स्थापित चेक पोस्ट पर आने जाने वाले वाहनों की कड़ी तलाशी ली जा रही है। साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से सीमावर्ती इलाकों में तुरंत कार्रवाई दल भी लगातार गश्त कर रहे हैं। जयपुर के झालारा बाईपास पर केंद्रीय विद्यालय के पास अचानक सड़क धसने से प्रशासन और ठेकेदार की कारगुजारी की पोल खोल दी है। घटिया निर्माण के चलते सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। सड़क धसने से 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम के चलते राहगीर और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद में विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों ने पीआरओ और PO1 के द्वितीय प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यवेक्षकों ने कार्मिकों को दिशा निर्देश दिए। डीएल मीठी प्रमोद पालीवाल ने बताया कि प्रशिक्षण में 610 पीआरओ और 610 PO1 पहुंचे। साथ ही इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना, जिला परिषद सीईओ राहुल जैन, मंदिर मंडल सीईओ कैलाश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी रहे। नागौर के सूफी अमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स मुबारक के तहत दूसरा उर्स मनाया गया। कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और इस मौके पर दरगाह क्षेत्र में विशेष सजावट भी की गई। फलोदी के चंद्रशेखर कॉलोनी में एक बच्चे द्वारा लघु शंका करने पर तेजाब फेंकने का मामला सामने। इस दौरान पड़ोसी ने बीच बचाव करने आए बच्चे के परिजनों पर तेजाब फेंककर उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान सतरंगी सप्ताह का रंगारंग आगाज। शत प्रतिशत मतदान के लिए रंगारंग आगाज हुआ है। जागरूकता कार्यक्रम के तहत हाजी कॉलोनी में इसका आयोजन हुआ। जिला स्वीप आइकॉन नूर शेखावत और अक्षय भटनागर ने मतदान की अपील करनी शुरू की है। ब्यावर के रायपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार निर्वाचन विभाग ने सराहनीय पहल के साथ ही नवाचार करते हुए बुजुर्ग, बीमार व दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान को सरल बनाया। वहीं दिव्यांग, बीमार, बुजुर्गों ने उत्साह के साथ मतदान किया। पोलिंग पार्टी पूरी गोपनीयता से घर घर जाकर मतदान करवा रही है। सेक्टर प्रभारी सोलंकी ने बताया कि रायपुर कस्बे में 131 दिव्यांग बुजुर्ग मतदाता है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए पुलिस कांस्टेबल भी तैनात रहे हैं।